नमस्कार काका जी। नमस्कार। थोड़ा जोर से बोलना काका जी, क्या नाम है आपका? आदराब। कहाँ से है सर? गांव कबाड़ा। कबाड़ा, तो यहाँ ये घोड़ी है सर? हाँ जी। क्या हाइट क्या होगी इसकी? 65 हाइट है। हाइट तो बहुत बढ़िया सर इसकी। इसको कौन सा कलर बोलते हैं सर? अबलक। अबलक, मारवाड़ी अबलक। तो सर इसके फादर मदर की तो डिटेल बताओगे? इसकी माँ नौकरी थी। नौकरी थी, बाप भी नौकरा। नौकरा। कितने घोड़े घोड़ी लेकर आए सर? एक ही है। तो ये दिखाने के लिए लाए या बेचने के लिए सर? जैसी कोई है अबे वैसी बिक्री। क्या रेट रेट क्या कर रहे हो अंकल? 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपया। तो घर में और भी घोड़े घोड़ी है कि ये एक ही लेकर आए? पहले 7-8 थे। हाँ, अब बुढ़ापा आ गया। हाँ, अब एक ही सामने बहुत मुश्किल हुई। अब बुढ़ापा आ गया थी, एक भी सामने मुश्किल है, तो बेचने के लिए लेके आ गए। तो राइडिंग बढ़िया करती थी? हाँ जी, बढ़िया राइडिंग करती है। नाच भी है, 6 इंची गुटके पर खड़ी भी हो जाती है। 6 इंची के गुटके पर खड़ी भी हो जाती है। क्या एज क्या है सर आपकी? क्या एज क्या है सर इसकी आपकी? मेरी तो 75 साल। फिर भी आप राइडिंग कर रहे हो, बढ़िया। कितने साल से रख रहे हो सर घोड़े घोड़ी? मेरा बाप भी रखता था पहले, मतलब उसके बाद मैं रखने। अब बच्चे नहीं रख रहे हैं? अब बच्चा एक ही है, वो खेती करता है। खेती करते हैं, उनको शौक कम है, टाइम ही नहीं है उसको। टाइम भी नहीं है। तो आप कहाँ, ये हनुमानगढ़ में ही रहते हो? हनुमानगढ़ जिला प्रॉपर। हनुमान डबली रठान से आगे 3 किलोमीटर हनुमानगढ़ में, सूरतगढ़ रोड पर, हनुमानगढ़ सूरतगढ़ फोर लाइन। तो राइडिंग करते हुए कितना टाइम हो गया सर आपको? मेरे को तो बहुत उम्र हो गई। कितनी चाल से राइडिंग करवा देती घोड़ी? कितनी चाल से करवा देती? 30-35 30-35 की स्पीड से? स्पीड तो इसकी अलग अलग होती है। अलग अलग होती है घोड़े घोड़ी की स्पीड, 80 किलोमीटर होती है। तो काका जी आपकी छोटी बड़ी चाल होती है, तो उस हिसाब से चलानी पड़ती है। काका जी आपको एक्सपीरियंस है, आपकी उम्र है, आप कोई नया आदमी अगर घोड़ी खरीदे तो उसको क्या डाइट देनी चाहिए घोड़ी को? डाइट तो ये थी उसको, ये चने की चूरी दो और उसको घी घू खिलाओ, ये डाइट है। और क्या हरा चारा दो, हरा चारा दो, ये डाइट है। और एक नया आदमी अगर कोई घोड़ी खरीदे तो आप बताओ नहीं उसमें क्या खासियत दे के घोड़ी खरीदे, ताकि उस आदमी को? तो ये भौरिया की होती है। भौरिया होती है, कौन सी? कौन मेरे बच्चा ले रहा है तो ये लाल चम्मी, काली चम्मी, अबलख, सफेद, ये सफेद बच्चा देगी। सफेद बच्चा, काला घोड़ा छोड़ोगे तो काले बच्चे देगी। काले बच्चे देगी नहीं, इसमें भौरिया कितनी होती है? बाल भौरी बहुत होती है। तो नया आदमी भौरी होती है, माथे में जो होती है बाघ भौरी बोलते हैं, ऊंची होनी चाहिए आंखों से, और तो बहुत होती है। तो नहीं होना चाहिए तन के नीचे, या भौरी नहीं होनी चाहिए? भौरी नहीं होनी चाहिए तन के नीचे, आगे दो इकट्ठी भौरी नहीं होनी चाहिए, दुगाड़ा बोलते हैं। दुगाड़ा बोलते हैं, ऊपर नीचे हो तो उसका कोई अर्ज नहीं है। तो काका जी एक बात बताओ, कोई नया आदमी अगर खरीदना चाहे तो वो घोड़ी खरीदे या घोड़ा खरीदे, उसको फायदा किस में है? जिसको जैसे शौक होता है वैसे नहीं, अगर कोई जैसे फायदा हो, बच्चे दे तो उसको आमदनी होती है। घोड़ा दो आदमी मिला समता नहीं है, बच्चे लेने हैं तो घोड़ी ले। घोड़ी घोड़ा दो आदमी से कम समय ले उसको, फिर घोड़ी पर छोड़ना पड़ता है। दो आदमी चाहिए और घोड़ी देवे तो बच्चे बेच के अपनी मजदूरी कर ले। बढ़िया सलाह दे दिया आपने। तो काका जी एक बार थोड़ी इसकी राइडिंग करके बताओ थोड़ी चला के। ये देखो दोस्तों, इन काका जी की उम्र देखो आप, और इस मेले हनुमानगढ़ मेले के अंदर देख लो आप, बढ़िया राइडिंग कर रहे हैं। ये होता है शौक, इस उम्र में भी काका जी घोड़ी को दौड़ा रहे हैं बढ़िया स्पीड से। आप देखो ये देखो, बहुत ही खूबसूरत घोड़ी है, लगता है जैसे घोड़ा है। आप देखो अब लग घोड़ी बहुत ही खूबसूरत घोड़ी है, घोड़े की तरह दौड़ती है। आप देखो, और काका जी ने अपना नॉलेज बताया। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, ताकि इसी तरह मैं और वीडियो बनाता रहूं और आप लोगों को दिखाता रहूं नए नए वीडियो। ये देखो, शौक होना चाहिए, शौक के आगे उम्र कुछ नहीं करती है। ये देखो काका जी की उम्र देखो और राइडिंग देखो आप लोग खुद, बढ़िया मज़ा आया राइडिंग देखने का।